अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। चचा, ये तो बहुत है। ये चमकती हुई अशरफियां दरअसल तुम्हारी कामयाबी है भतीजे। तुमसे कहा था ना मैंने कि अब सरदारी छोड़ने का वक्त आ चुका है मां। कुर्दोगलू जिरके में कुंदोगदू का नाम लेकर सरदारी के लिए आपको नीचा दिखाना चाहेगा। इस जहर से लड़ना होगा तुम्हें। हार नहीं मानोगे तुम तुर्कुत। हिम्मत करो, हिम्मत करो। मारी वो, मुझे कल उसकी लाश मिली है, खुदकुशी की है उसने। ये तुर्कुत का आबे हयात है, उस्तादे आजम उसे खोना नहीं चाहते। वक्त आने पर वो हमारे काम आ सकता है। हर मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं और ये साथ सिर्फ हलफ तक महदूद नहीं बल्कि मौत तक जारी रहेगा। सुलेमान, अपना गुस्सा तलवार पे ना निकाले, ये लीजिए। बहुत अरसे से खामोशी से उनकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, और वो मेरी खामोशी का फायदा उठाकर मुसलसल फितना अंगेजी कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा कि इन फितनों को बढ़ाने वाला मेरा अपना भाई कुर्दोगलू है। सुलेमान, कुर्दोगलू ने ना पहली बार ऐसा किया है और ना ही आखिरी बार। अगर आपको याद हो मैंने कई बार आपको आगाह किया है। हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। मुझे सिर्फ अपने कबीले में अमन और सुकून चाहिए। पहले ही आलम इस्लाम में बहुत से फितने बरपा है। बाहिसियत सरदार कभी कभी लोगों की सरकशी को नजरअंदाज करना पड़ता है, एक बाप की तरह जो हर शरारत पे औलाद को सजा नहीं देता। बिल्कुल ऐसी सरदार भी हर एक गलती पर पकड़ नहीं कर सकता। तो फिर आपने क्या सोचा है? कुर्दोगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और कुंदोगदू को सरदार बनाना चाहते हैं, और मैं उन्हें इसका पूरा मौका दूंगा। अब देखते हैं कि वो इसके अहल हैं या नहीं।
तुर्कुत मेरे भाई, खुशामदीद। तुम्हें याद है ना, हम एक साथ मश्क किया करते थे। याद है ना तुम्हें? दुआना आंखें खुली रखना अपनी, मोहताद रहना बहुत। भाई, क्या हमें आने वाले तूफान के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए दुआन, दोनों आंखें और कान खुले रखना और हथियार भी तैयार रखना हमेशा तूफान से निपटने के लिए। इस बार पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा हमें। जी भाई, जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो इसे इसके खेमे में ले जाओ। चलो आओ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं हलीमा सुल्तान? आपका शुक्रिया अर्तुरुल। गुंदुगदु भाई ने जो दावत की है आज, उसकी वजह से सब परेशान क्यों हैं? इसी वजह से बाबा से बात नहीं हुई। दावत हो जाए तो बात करूंगा वसीयत की। गोपचे वाली वसीयत के बारे में? हाँ। वैसे आप इस बारे में परेशान ना हो, शादी की तैयारियों का सोचें। मैं बहुत खौफजदा हूं अर्तुरुल। हलीमा सुल्तान, एक बात याद रखें, जब तक मैं हूं आपके साथ आपको खौफजदा नहीं होना। तब तक यकीन दिलाता हूं कि शादी धूमधाम से होगी हमारी। सुलेमान, ये वही तलवार है ना जब सलजान के बाप ने बगावत की थी तो इसे आपने उसको सजा देने के लिए इस्तेमाल किया था। ये तलवार मेरे बाबा की निशानी है। बाबा ने ये तलवार देते वक्त मुझसे कहा था, याद रखना, सरदार दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता। कोई अगर तुमसे सरदारी छीनना चाहे तो दिल पे जबर करके इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना। और अगर आपकी औलाद सरदारी लेना चाहे तो क्या करेंगे? कबीले के अमन और सुकून की खातिर ये तल्ख खून भी पीना पड़ेगा मुझे, इसलिए कि ऐसा करके मैं कई जिंदगियों को बचाऊंगा। अगर कोई लोगों को पेट भरकर खाना और सर छुपाने के लिए साहिबान देता है तो उससे बढ़कर सरदारी का हकदार कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब गुंदुगदु को मिलनी चाहिए कबीले की सरदारी? हाँ, मेरा कहना मायने नहीं रखता। ये सब जो कुछ भी कहेंगे हमें इनका साथ देना है कारा बुदक। ये लोग तो पहले ही फैसला कर चुके हैं।
बंसी, ये दोनों वही है ना? बिल्कुल, कुर्दोगलू के चमचे हैं दोनों। चरवाहों को भी वरगला कर अपने साथ मिला लिया है इन्होंने। मेरा दिल तो करता है इन दोनों को भट्टी में डालकर भून दूं, ताकि एक साथ पूरी गंदगी साफ हो जाए। रुक जाओ, बहुत चलती है क्या? तुमने तो कहा था ना कि एक दाना भी नहीं खाऊंगा। अल्लाह जल्द तुम्हें सेहत अता करे। मेरे बेटे को बचाया तुमने। बोझ हल्का करने आई है क्या अपने जमीर का वालिदा? अगर तो गुनाहगार हूं मैं, तो मैं अपने रब से मगफिरत की तालिब हूं। लेकिन याद रखो, गुनाह इंसान को पछतावे और नदामत के रास्ते पे ले जाता है। सलजान, मेरी बहन ने अर्तरुल की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन आप गोगचे से किया वादा निभा ना सकी। मेरी गोद क्या उजड़ गई तो आपने मेरे शौहर के लिए दूसरी लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी। मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मगर कोई भी शख्स कामिल नहीं होता। आपने तो बेहिसी की इंतहा कर दी वालिदा। तुम्हारी नजर तो कबीले की सरदारी पे है ना, इसलिए तुम्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। न कोकचे के दिल का दर्द और न ही कर्क को समझ सकती हो गुंदोगदू के। यहां तक कि तुमने अपने मरे हुए बच्चे का भी तमाशा बना दिया। लेकिन तुम बाज आने वाली नहीं। कान खोल के सुन लो, तुम्हें जल्द अज जल्द गुंदोगदू को औलाद की खुशखबरी देना होगी, वरना तुम गुंदोगदू पे अपना अख्तियार खो बैठोगी। आपका इंतकाम लूंगी बाबा, जरूर लूंगी। वैसे तो बाबा भी अर्तुरुल भाई से नाराज है, लेकिन जाहिर नहीं करते। उनके मुताबिक मुस्तकबिल का सरदार अर्तुरुल भाई को होना चाहिए, मगर अर्तुरुल भाई की तो इस तरफ तवज्जा ही नहीं है कोई। वो औताक में बैठकर लोगों के मसले हल करने वाले शख्स नहीं आए किस। वो एक निडर जाबाज सिपाही हैं,
और मैं जानती हूँ कि घोड़े और तलवार के बिना नहीं रह सकते वो। तुम उनकी बीवी बनने से पहले ही उनको कितनी अच्छी तरह जान गई हो। अब क्या सोचा है तुमने हलीमा सुल्तान? आयकस, याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा था कि सिपाही की बीवी होना आसान नहीं है। मैंने भी अर्तुरुल का साथ ये सब कुछ सोचकर ही कबूल किया है। इंतजार मुकद्दर में है तो यूं ही सही, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। दुआ करो कि हम इस इम्तिहान में कामयाब हो सकें। आइए अपनी निश्चित पे तशरीफ रखिए। तुम्हारे मेहमान हैं आज हम फरजंद, हम वहां बैठेंगे। अच्छा होता आप हमें यहाँ ना बुलाते। इस दावत का मकसद क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ना भूलो दुआन के जहाँ हम बैठे हैं ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे कबीले के लोग हैं ये। भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे। बात ना बढ़ाओ, बड़े भाई हैं, काबिल इज्जत हैं, वालिद जैसे हैं। इनमें बाबा जैसी बहुत सी खूबियां हैं, वक्त आएगा तो सरदार भी बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों की यहां आमद का बहुत शुक्रिया। चलिए तनावल फरमाइए। बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करो गुंदुगदू, उनके लिए आसान नहीं है सब। सालों कबीले की सरदारी की है उन्होंने। मसला
सिर्फ सरदारी का ही नहीं है बल्कि उनकी उम्र का तकाजा भी यही है। इस ज़ियाफ़त का एहतमाम करके तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। तुम्हारे बाबा भी इस हकीकत को बिलाखिर तस्लीम कर लेंगे। आप एक लुकमा तो खा ले मेरे सरदार। भाइयों, सिपाहियों, चरवाहों और कबीले के मौजज़ीन, अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत मुश्किल वक्त के बाद और मेरे बेटों की अनथक कोशिशों से हमें पड़ाव के लिए ये जमीन नसीब हुई। एक सख्त और मुश्किल दौर के बाद गुंदुगदू की कोशिशों से हम अपने जानवर अच्छी कीमत पर फरोख्त कर सके और हमने बेहतरीन मुनाफा कमाया। सबने सुख का सांस लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये दिन दिखाए। अल्लाह हमारे सरदार, उनके बेटों और सिपाहियों को सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। मैंने बाहसियत सरदार एक अरसे तक अपने इस कबीले को संभाला है, नाकामियां भी देखी और भरपूर कामयाब दिन भी देखे। अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए मैं ये सोचने पर आमादा हुआ हूं कि कबीले को एक नए सरदार की जरूरत है। आप ये कह के रहे हैं मेरे सरदार? आप तो ये कैसे हो सकते हैं सरदार? ऐसा नहीं सरदार, हम क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? मैंने फैसला किया है कि अगले दो दिनों में होने वाले जिरगे में इंतखाब किया जाएगा नए सरदार का। अगर सरदारी के लिए कोई अपने आप को अहल समझता है तो आगे आए, उसके नाम पे गौर किया जाएगा। देली दमीर, गोश्त का एक टुकड़ा उठा के दो मुझे। अपने फर्जंद की दावत में शरीक होना चाहता हूं मैं। ये लीजिए सरदार। तलवार है ना तुम्हारे पास? जी मौजूद है, हर वक्त साथ रखता हूं अपने। बहुत खूब। सरदारी का जो खेल शुरू हुआ है, कोई नहीं जानता खुदा के सिवा कि उसका अंजाम क्या होगा। बाबा आखिर करना क्या चाह रहे हैं चाचा? जब एक बिफरा हुआ बैल तुम्हारी जानिब बढ़ता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उसका सामना करो या फिर भाग जाओ। अगर तुम भागे तब भी उससे बच नहीं पाओगे, लेकिन अगर उसका सामना किया और डटे रहे तो फिर उम्मीद है कि तुम बच जाओगे। तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है।
डटे रहो, तुम्हारी सरदारी का दौर शुरू हो गया है गुंदुगदू। भाई आखिर ये सब हो क्या रहा है? वालिदा ने समझाया था पहले, समझ अब आया। क्या भाई? या तो तख्त मिलेगा और ना मिला तो तख्त-ए-दार। यानी अल्लाह ने चाहा तो तख्त कायम रहेगा। अल्लाह तुमसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। आपके ख्याल में सिर्फ मर्द ही मसलों को समझते हैं, क्या औरतें समझ बूझ नहीं रखती? खातून मैं सारे हालात से वाकिफ हूं, लेकिन बाबा अभी हयात हैं, फिर भी उन्होंने सरदारी छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया समझ से बाहर है। सच तो यह है कि बाबा बूढ़े हो चुके, हकीकत से इनकार का फायदा सरदारी सिर्फ तुम्हारा हक है गुंदुगदू। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये इख्तियार अपनी औलाद को नहीं दिया बल्कि सबके लिए दरवाजा खोल दिया। तुमने सही कहा, सुलेमान शाह यूं ही कोई फैसला नहीं करते। अपने चारों तरफ गहरी नजर रखो गुंदुगदू। कुर्दोगलू और दूसरे सरदारों ने जरूर तुम्हारा ही साथ देने को कहा है, मगर उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। हर कोई अपने लिए सरदारी हासिल करने की कोशिश करेगा। ये सरदार के इंतखाब का क्या मतलब है सुलेमान? देखना चाहता हूं कि मेरे बगैर ये कोई फैसला कर सकते हैं कि नहीं। इस फैसले से उनके दिल का कीना निकल के सामने आ जाएगा। सरदारी को आसान समझते हैं वो, और इसीलिए उन्हें खुली इजाजत दी है मैंने। अब देखते हैं कि किसमें इतनी ताकत और जहानत है। आप यकीनन बेहतर जानते हैं सुलेमान। हमारे सरदार पहाड़ तो सर कर सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत और कुव्वत लोगों के दिलों को नहीं छोड़ सकती। वो दिल जिसमें सरदारी के लिए लालच आ जाए वो जंग के काबिल नहीं रहता। ये लालच एक बार रूह में सराइयत कर जाए तो समझो खुद को धकेल दिया अंगारों में। ऐ अल्लाह हमें इस लालच से महफूज रखना और हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन रखना, हमें मांगने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाला बनाना और दिल मुखलिस रखना हमारे। इस फानी दुनिया में मेरी जिंदगी में अपनी रजा और खुशनूदी को शामिल रखना परवरदिगार। तुर्कुत, तुर्कुत देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, आंखें तो खोलो अपनी, खुदा के लिए उठो तुर्कुत। हाथ खोल दिए मैंने तुम्हारे, अब खाना खा लो। Huh?
ये बूढ़ा सरदार तो हमारी तवक्क से ज्यादा समझदार निकला कुर्दोगलू। उसको किसी तरह कमजोर न समझना काराबुदक। जिसे तुम कमजोर और जईफ समझते हो वो तुम जैसे 50 आदमियों को एक लम्हे में जेर करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए मैंने गुंदुगदू का इंतखाब किया है ताकि मैदान साफ हो जाए। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है कुर्दोगलू? तुम भी किसी से कम नहीं, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे तजुर्बे से मेरा भतीजा गुंदुगदू फैजियाब हो। सुलेमान शाह और अर्तुरल के हाथों यरगमाल न बना रहे वो। सुलेमान तो जाल में फंस चुका है, अब हमें ये बाजी हर कीमत पर जीतना होगी। तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा तुम्हारी मेहनत के मुताबिक मिलता रहेगा। हमें जल्द अज जल्द सरदारों से बात करना होगी। सर फिर सरदारों से मैं नहीं बट लूंगा। चलिए मशरूब पीजिए। जल्दी हाथ बांधो, मैंने कहा हाथ बांधो। जाओ यहां से, चली जाओ। मैं कहता हूं चली जाओ, जाओ। जाओ यहां से। चली जाओ यहां से। जरूरत है, बहुत से आम काम करने तुम्हें। शाबाश शाबाश। हलीमा, आई किस, क्या हुआ तुम्हें?
मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी मौत मेरे प्यार के हाथों में हो। आज हकीकत में ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, तुम आराम से बैठ जाओ पहले, फिर बताओ क्या हुआ। क्या है तुम्हें? ये लो। बताओ मुझे क्या हुआ है किस? मेरा गला घोट के मारने की कोशिश की उसने, मगर मैंने अपने तुरगुत को देखा उसकी आंखों में। उसके जिस्म पर काबिज वो इब्लीस कुछ देर के लिए गायब हो गया था। अगर इसा दौरा की बात सच निकली और वो वाकई इस दवा के ना मिलने की वजह से तकलीफ से मर गया तो क्या होगा? कैसी तबीयत है अब इनकी? खुदा का बहुत शुक्र है, दिन ब दिन इनकी तबीयत बेहतर हो रही है माशाल्लाह। शुक्रिया। आर्थर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके साथ हूं। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है गोपचे, एहसान मंद रहूंगा तुम्हारा। अगर मेरी बहन की हालत के बारे में किसी को पता चला तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा। अर्तुरुल साहब अंदर है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बहन की आयादत के लिए वक्त निकाला। मैंने वो किया जो इंसानियत का तकाजा है। काश के आप जान सकते ये बात कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। अर्तुरुल भाई, सलजान प्यार जानने का नहीं, महसूस करने का नाम है। और मैं महसूस कर चुका हूं कि कौन प्यार करता है मुझसे। चलता हूं, खुदा हाफिज। गंदोगदू, कल भी सरदार अंजरगे में उनमें से ज्यादातर तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये काफी नहीं। हमें मजीद हिमायत की जरूरत होगी। तुम्हें मुकम्मल हिमायत के साथ ये मनसब संभालना होगा। क्या कोई और उम्मीदवार भी है? किसी में इतनी जसारत नहीं भतीजे। कबीले की अक्सरियत तुम्हें सरदार देखना चाहती है। एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, आप क्यों नहीं सरदारी के उम्मीदवार बने? मेरी नजर कभी भी सरदारी पर नहीं रही भतीजे। अगर मेरा कोई ऐसा इरादा होता तो मैं तुम्हारे बाप से बहुत पहले सरदार बन चुका होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सरदार बनो, क्योंकि तुम अहल हो इसके। फसाद से दूर रहते हो और दूसरों की राय भी सुनते हो। फैसला लेने का वक्त आ गया है। तो ठीक है, फिर अपने कबीले और उसके अमन सुकून के लिए
मैं सरदारी के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भतीजे। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुश रहो। क्या पता नया सरदार इस खैमे में रहना चाहे, हमें शायद इसे छोड़ना पड़े। उस दिन क्या होगा जब यहां से हम जाएंगे सुलेमान? सब कुछ ठीक हो जाएगा हाइबा, परेशान मत हो। मैंने दुरुस्त फैसला किया है ना? आपने कभी कोई गलत फैसला किया है सुलेमान? खाना शुरू करें। हाजिर हो सकता हूं बाबा। आ जाओ फरजंद, बैठो। सुबह खैर। जीते रहो बेटा। जख्म ठीक हुआ तुम्हारा? जख्म कैसा? ठीक हूं वालिदा, ठीक हूं। सुबह से ही सारे सरदार एक खेमे से दूसरे खेमे के चक्कर काट रहे हैं बाबा। अपनी कोशिशें करने दो उन्हें, एक जमाने से ऐसे ही होता आ रहा है। कबीले के लिए सरदार तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपनी जुबान की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है। कबीले के लोग सरदार से बात करते हैं, फिर वो दूसरे सरदारों से मशावरत करते हैं इस बारे में। उसके बाद वो किसी एक को सरदार मुंतखब करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वक्त मुनासिब था। एक सरदार का फर्ज है कि फितनों को उभरने से पहले ही दबा दे। बर वक्त फैसला ना किया जाए तो उसका नतीजा खून रेजी की सूरत में निकलता है, इसलिए मैंने एहतियात बरती। अब जिरगे में जो भी फैसला किया जाएगा उसी के मुताबिक सरदार का इंतखाब होगा। मुझे अफसोस है कि मैंने ये इकदाम उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब सलजान के बाप ने बगावत की थी। इस तरह हमें वो मुश्किल वक्त नहीं देखना पड़ता और कबीले का सुकून बर्बाद ना होता। अपने बाबा की नसीहत को याद रखना, जब वक्त आए और तुम्हें सरदार बनने का मौका मिले। तुम सरदारी के इंतखाब के लिए खड़े हो के क्या अर्दरुल? आप क्या कह रही हैं वालिदा? मैंने आपसे हमेशा यही कहा है, कबीला और जिरगा आपका और शिकार मेरा। भूल गई क्या? लेकिन अगर बड़ों का यह फैसला ठीक साबित ना हुआ तो फिर मैं अपने बड़ों और भाई गुंदोगदू का किसी भी सूरत लिहाज नहीं रख पाऊंगा यह सुन ले।
मुझे सरदारी चाहिए होती तो खुद कहता। अपनी लालची बीवी और चचा के झूठे दावों की बुनियाद पर कबीले का सुकून बर्बाद न करता। मुंह के बल गिरोगे कुर्दोगलो, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार और ज़बान अपने काबू में रखो तुम। अगर ये सरदारी की जंग आपको कुंदूकदू भाई से दुश्मनी पर आमादा करे तो मत कीजिएगा, दूर रहिएगा। हमारा उम्मीदवार गुंदोगदू है। ये क्या सुलेमान शाह क्या करते हुए गुंदोगदू कैसे उम्मीदवार हो सकता है? बेटा अपने बाप के मुकाबले में कैसे आ सकता है? नहीं लगता गुंदोगदू ऐसा करेगा, नहीं लगता गुंदोगदू कभी ऐसा करेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गुंदोगदू सुलेमान शाह की बहुत इज्जत करता है, वो कभी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता।